नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। उससे पहले आपको बता दें कि कोयले से लदी मालगाड़ी का ब्रेक फेल होने की खबर सामने आई है। आपको जानकारी दे दें जहां पर कोयले से लदी मालगाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है और 53 बोगी बेपटरी और इसके साथ ही अप डाउन आवागमन ठप हुआ है। जानकारी आपको दे दें जहां पर 53 बोगी बेपटरी हुई है और अप डाउन आवागमन ठप हो गया है। गया धनबाद रेलखंड में गुरपा स्टेशन के पास की घटना ये बताई जा रही है। आपको जानकारी दे दें जहां पर चालक और गार्ड को कोई नुकसान होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। धनबाद रेल मंडल के गुरपा रेलवे स्टेशन के पास बुधवार की अल सुबह कोयला लोडेड मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दुर्घटना इतना भयंकर था कि रेलवे ट्रैक के किनारे रहे कई बिजली के खंभे टूट गए हैं। वहीं कई बोगी के पहिए भी टूटकर अप और डाउन रेलखंड पर बिखर गए हैं और रेल सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि 6:30 बजे की ये घटना हुई है। कोयला लोडेड मालगाड़ी कोडरमा स्टेशन की ओर से आ रही थी और गया की ओर से जा रही थी और आपको बता दें कि 58 बोगी वाले मालगाड़ी में भारी मात्रा में कोयला लोड था और प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक करीब 20 किलोमीटर घाट सेक्शन से गुजरने दौरान ही मालगाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और ढलना ज़्यादा होने के कारण मालगाड़ी की रफ्तार जो थी वो ज़्यादा थी और चालक के द्वारा उसकी गति कम करने का काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन गुरपा स्टेशन के पास आते आते मालगाड़ी बेपटरी हो गई और रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 58 बोगी वाले इस मालगाड़ी के अगले हिस्से में इंजन और एक बोगी, जबकि पिछले हिस्से के 5 बोगी सहित सलामत हैं और अन्य बोगी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो आपको खबर बता रहे हैं जहां पर मालगाड़ी जो है पटरी से गिर गई है और इसके साथ ही गया धनबाद की खबर जो है आपको बता रहे हैं जहाँ पर यह जानकारी सामने आई है कि कोयले से लदी मालगाड़ी का ब्रेक फेल हुआ है। तो आपको जानकारी दे रहे हैं जहां पर मालगाड़ी जो है पटरी से डाउन हो गई और 53 बोगी बेपटरी की खबर भी सामने आई है। सुबह करीब 6:32 की यह घटना बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये सुबह करीब 6:32 की खबर है। धनबाद में ही रेल मंडल के गुरपा रेलवे स्टेशन के पास बुधवार की अल सुबह कोयला लोडेड मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दुर्घटना इतना भयंकर था कि रेलवे ट्रैक के किनारे रहे कई बिजली के खंभे टूट गए। वहीं कई बोगी के पहिया भी टूटकर अप और डाउन रेलखंड पर बिखर गए। रेल सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि करीब 6:30 बजे की यह घटना है और कोयला लोडेड मालगाड़ी कोडरमा स्टेशन की ओर से आ रही थी और गया की ओर जा रही थी। 58 बोगी वाले मालगाड़ी से भारी मात्रा में कोयला लोड था और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार करीब 20 किलोमीटर घाट सेक्शन से गुजरने के दौरान ही मालगाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और ढलना ज़्यादा होने के कारण मालगाड़ी की रफ्तार जो थी वो अधिक थी। एक और बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें जहां पर तंगधार में ही आतंकी घुसपैठ का प्रयास किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, तंगधार में आतंकी घुसपैठ का प्रयास किया गया है। सुरक्षा बलों ने एक विदेशी आतंकी को भी मार गिराया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिला कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा से सटे तंगधार सेक्टर के ही सुदपोरा इलाके से जहां पर भारतीय सेना ने आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास कर रहे 2 से 3 आतंकवादियों में से सुरक्षा बलों ने एक को सीमा के नज़दीक ही ढेर कर दिया है, जबकि गोलीबारी के बाद ही अन्य 2 आतंकवादी सुरक्षित वापस लौटने में सफल रहे। हालांकि घुसपैठ के इस प्रयास के बाद सुरक्षा बल ने ही तंगधार सेक्टर से ही लगते इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान आतंकवादियों के भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराने का लगातार प्रयास कर रहा है और सुरक्षा एजेंसियों ने भी इस बात को लेकर पहले ही सुरक्षा बलों को सचेत कर रखा है कि नियंत्रण रेखा के बाद 250 से ज़्यादा आतंकी घुसपैठ को तैयार बैठे हैं। ऐसे में बर्फबारी का सिलसिला तेज होने के पहले ही आतंकी किसी भी तरह भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की फिराक में।
एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, जहां पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आ गया है। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि मल्लिकार्जुन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पटभार संभालेंगे। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें, जहाँ पर सीएम ने कहा है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। सोनिया जी ने जो फैसला किया है कि गैर गांधी से कांग्रेस अध्यक्ष बने और खड़गे जी बन भी गए हैं, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम पार्टी को कामयाब करें और पार्टी को मजबूत करें। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आ गया है कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आज मल्लिकार्जुन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार जो है वो संभालेंगे। और इसके साथ ही सीएम ने कह दिया है साफ तौर पर कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे और सोनिया जी ने जो फैसला किया है गैर गांधी से कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो खड़गे जी बन भी गए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जनता से भी उम्मीद जता दी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें कांग्रेस जो है हम कामयाब करें और पार्टी को मजबूत करें, ऐसा अशोक गहलोत कह रहे हैं राजस्थान के सीएम। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर बयान दे दिया। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, मुंबई से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नवी मुंबई के कलबोली में चावल के गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई है। आपको जानकारी दे दें कि दमकल विभाग को सुबह करीब 7:04 पर आग की सूचना मिली थी और दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर अभी फिलहाल मौजूद बताई जा रही हैं। आग कंट्रोल में है और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। दमकल अधिकारी से जानकारी मिली है, जहां पर बताया जा रहा है कि आग कंट्रोल में है और आग बुझाने का काम लगातार जारी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवी मुंबई के कलंबोली में ही भारतीय खाद्य निगम के चावल के गोदाम में आग लगी है और मुख्य अग्नि मिशन के ही अधिकारी सौरभ पाटिल ने बताया है कि हमें सुबह करीब 7:04 पर ही आग लगने की सूचना मिली थी और दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद बताई जा रही हैं। आग कंट्रोल में भी बताई जा रही है और इसके साथ ही आग बुझाने का काम लगातार जारी है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक नया मोड़ सामने आ गया है। आपको बड़ी और अहम जानकारी दे दें, जहां पर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक नया मोड़ सामने आया है। पंजाबी सिंगर अफसाना खान का नाम भी सामने आ रहा है। आपको जानकारी दे दें, एनआईए ने अफसाना खान से पूछताछ की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को लेकर, जहां पर अफसाना का नाम अब सामने आ रहा है। इस साल मई के महीने में ही पंजाब के मशहूर सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी और सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद से ही पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई हैं। साथ ही आपको बता दें कि एनआईए जैसी बड़ी जांच एजेंसी भी सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच कर रही है और इस बीच ही अब अपडेट ये आ रही है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से ही उनकी करीबी दोस्त और पंजाबी सिंगर अफसाना खान का नाम जुड़ता दिखाई दे रहा है। खबरों के अनुसार NIA के अफसाना ने ही पूछताछ की है। आपको बता दें कि अफसाना से इस मामले पर पूछताछ भी की गई है, NIA ने पूछताछ की है। और बिग बॉस की पूर्व कंटेंट और इसके साथ ही पंजाब की जानी मानी सिंगर अफसाना खान के नाम से सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में नया मोड़ सामने आ गया है। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि NIA की ओर से अफसाना खान को समन किया गया है, जिसके तहत मंगलवार को अफसान से सिद्धू मूसेवाला केस को लेकर करीब 5 तक लंबी पूछताछ की गई है। और यह भी जानकारी है कि NIA को एक शक है कि कहीं ना कहीं जिस लड़की को सिद्धू अपनी मुंहगोली बहन मानते थे, उनका कनेक्शन सिद्धू के मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में अफसाना खान के से और भी पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि हो सकता है अफसाना खान का लिंक अपबमीहा गैंग से भी हो सकता है। ये जानकारी बड़ी आपको अहम जानकारी दे दें, जहां पर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। अफसाना खान से भी पूछताछ की गई है, कहीं ना कहीं मुंहगोली बहन से इस केस से जुड़ा हुआ लिंक भी माना जा रहा है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।